Rush Lake Expedition. Let's have a satellite view of Rush Lake. Rush Lake एक high altitude lake है. Rush Lake पाकिस्तान की highest lake है and it ranks 27th in the world. Rush Lake सतह समंदर से 15,400 feet की बुलंदी पे है. Rush Lake Miar Peak और Golden Peak के 15 किलोमीटर जनूब पे वाक़ा है. Rush Lake is one of the highest glacier alpine lakes in the world. Rush Lake Nagar Valley mein locate karta hai. It's a supreme view of Nagar Valley. It's beautiful Nagar Valley. Beautiful view of Bualtar Glacier. This glacier is the only glacier in the world top se टाउन की तरफ देखा जा सकता है. बॉल्टर ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है जो कि ब्याफो ग्लेशियर से मीट कर जाता है हिस्परला पे. एक हाई एटीट्यूड मुकाम है. ब्यूटीफुल व्यू ऑफ होपर वैली. Hopar Valley एक सीनिक पोर्शन है Nagar Valley का. Hopar Valley जो कि Nagar Valley के एंड में है. It is a home of more than 2 or 3 glaciers and number of peaks. Hopar Valley is home of Golden Peak or Spantik Peak, Miar Peak, then Malubiting Peak, Ultar Sir, and Phuparash Peak. ये सारी पीक 6,000 मीटर से above हैं. The spring scenery of Hopar Valley. गालिबन मार्च का महीना है. ये खूबसूरत मंजर ग्लेशियर का, बॉल्टर ग्लेशियर और होपर ग्लेशियर. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे. कैपेलिन फॉर एग्जांपल, कैपेलिन जो कि एक मशहूर होटल है, यहाँ पे स्टे किया जा सकता है. हिल्टन होटल जो कि 1980 से इस वैली में है. यहाँ बहुत सारे पीक्स हैं एंड ग्लेशियर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल होपर वैली से होपर ग्लेशियर पहुंचा जाता है, देन बर्पू ग्लेशियर, देन चिस्टिन, देन तागाफरी. हमारी ट्रेक स्टार्ट हो चुकी है. होपर वैली से हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रश लेक. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेक.
These are our group members: Mr. Akhtar, Mr. Rizwan, Mr. Noman. ये बोलतर ग्लेशियर पे ट्रेक कर रहे हैं हम. इट्स ग्लेशियर वाटर. ग्लेशियर वाटर जो कि बहुत उम्दा किस्म का पानी आता है. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रास्ते में इस तरह बॉटल्स भरी जाती हैं. दीज आर ह्यूज आइसबर्ग्स. बार दफा ये ट्रेकिंग खतरनाक भी हो सकती है. ये देखिए बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं. बहुत एहतियात से ट्रेक किया जाता है. होपर ग्लेशियर के बाद जो एरिया है उसका नाम छिस्टीन है. टोकन लैंग्वेज में इसको छिस्टीन कहते हैं. पुरुष की नेम है. होपर ग्लेशियर क्रॉस हो चुका है. अब छिस्टीन के बाद बर्पू ग्लेशियर पहुंचेंगे हम. ट्रेक स्टार्ट हुए 2 घंटे हो रहे हैं. ये छिस्टीन होपर वैली के लोग यहाँ पे अब अपना रेवर रखते हैं. किसी जमाने में यहाँ आबादी हुआ करती थी. अभी पानी की कमी की वजह से यहाँ आबादी खत्म हो चुकी है. और अब फिर लोगों ने आबादी बढ़ानी शुरू कर दी है. दरख्त उगाए गए हैं. अब नेक्स्ट पड़ाव जो है बापू ग्लेशियर का है. हमने बापू ग्लेशियर क्रॉस करना है. वे टुवर्ड्स बापू ग्लेशियर. इट्स ब्यूटीफुल ट्रैक. होपर ग्लेशियर और बापू ग्लेशियर नेगर रिवर का मेन सोर्स है. ये ब्यूटीफुल वे ऑफ बापू ग्लेशियर. तागाफरी बापू ग्लेशियर के बाद हम तागाफरी पहुंच चुके हैं. हमें आज शाम तक भिड़ी चौक और पहुंचना है. यहाँ रास्ते में बहुत सारे प्लेन्स हैं.
आज के दिन हमने 9 किलोमीटर ट्रेक करनी है। पेड़ी चौक और पहुंच चुके हैं, शाम हो चुकी है, टेंट सेटिंग की जाएगी, देन डिनर पकाया जाएगा। हमारा डे वन एंड होने को है। ट्रैकिंग पे ग्रुप वर्क बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, सब ग्रुप मेंबर्स मिलके काम करते हैं, कोई टेंट लगाता है, कोई खाना पकाता है, क्योंकि सभी थक चुके होते हैं। ये बड़ी चौक कोर का एरिया है, बॉनफायर करना चाहते हैं, लकड़ी तैयार हो चुकी है। जब भी आप ट्रैक पे जाएं तो रात को बॉनफायर का इंतजाम जरूर करें, क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं, आसपास ग्लेशियर्स हैं, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, सो बॉनफायर से अपने जिस्म को गर्म रखा जाता है। यहाँ थोड़ी सी कोशिश करने पे बहुत सारी लकड़ी मिल जाती है। बॉनफायर हमारा हो चुका है, अब हमने डिनर तैयार करना है ताकि डे वन एंड कर सके। हम बहुत थक चुके हैं, रेस्ट भी करना है, नेक्स्ट डे कल फिर से ट्रैकिंग करनी है टुवर्ड्स रश लेक। आज का डिनर सीख कबाब है, ट्रैकिंग पे सबसे इजी एंड सबसे यमी जो डिश है वो यही सीख कबाब की है, जिससे बॉडी को बहुत सारी ताकत भी मिलती है। End of day one. Day two. Early in the morning, beautiful sunrise. Isn't it mesmerizing? ये बड़ी चौक और का एरिया है। से बड़ी चौकोर कहते हैं इस एरिए को। यूजुअली ट्रैकर्स फर्स्ट
कैंपिंग यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट डे की कैंपिंग। पेडीचो कोर्स से चोटी पे चढ़ना है, जो इस चोटी का नाम फुमारी किश है। डे टू की फर्स्ट 4 आवर्स की ट्रेकिंग बड़ी सख्त है, क्योंकि ये ट्रेकिंग नहीं है, ये हाइकिंग है। हमने पहाड़ी पे चढ़ना है, तो तैयारियां हो रही हैं यहां से मूव करने की। इंस्ट्रक्टर रिजवान एंड नोमान पैक कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर कैंपिंग एक्सपर्ट है। सो डे टू की ट्रेकिंग हम स्टार्ट करने को है। हम 4 ग्रुप मेंबर्स हैं। हमने बड़ी चौक कोर से फुमारीकिश, ये फुमारीकिश है, चोटी का नाम फुमारीकिश है, हमने इसके टॉप पे जाना है। ये 4 से 5 घंटे की ट्रैक है, ट्रैक नहीं हाइकिंग करनी है हमने। हमारी किश कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी आप ट्रैक करें तो ट्रैकिंग स्टिक इज वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब आप रश लेक पे ट्रैक करें। हमारे किश के टॉप पे हम, ये ग्लेशियर मायर ग्लेशियर एंड फुपारश ग्लेशियर का क्लस्टर है, ब्यूटीफुल मायर ग्लेशियर। मायर ग्लेशियर का ओरिजिन मायर पीक से चलते रहे ले जाए। एंड ऑफ डे टू, डे टू का भी डिनर सीख कबाब है हमारा। आज हमारा स्टे रश हराई में है, ये भी एक कैंपिंग साइट है रश हराई। यहाँ पे लकड़ी इजीली अवेलेबल है एंड बॉनफायर। Amazing.
इतना बड़ा बॉनफायर। End of day 2, early in the morning, इन चोटियों पे सुबह बहुत प्यारी होती है। डे 3 की ट्रेकिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। रश हराई से हम चिदिन हराई की तरफ जा रहे हैं। चिदिन हराई के बाद ठोक आएगा, ठोक के बाद फाइनली हम रश लेक पहुंच जाएंगे। ये चिदिन हराई रश हराई से रश लेक तक 3 घंटे की ट्रेकिंग है। रास्ते में खूबसूरत मंजर है। इसे ठोक कहते हैं। ये जो चोटी है ये होपर वैली से दिखाई देती है। जब भी कोई पूछता है रश लेक कहाँ है तो लोग ये चोटी दिखा देते हैं कि इसकी यहीं पे रश लेक है। एग्जैक्टली यहाँ से आधे घंटे की ट्रेकिंग पे रश लेक है। सो ये जो पॉइंट है बुशिस की में इसको ठोक बोलते हैं। सो होपर वैली से गाइड्स को दिखाया जाता है कि इस चोटी के बाद रश लेके यहीं पे रश लेके और एग्जैक्टली यहीं पे रश लेके वो हमारे ग्रुप मेंबर्स बहुत थक चुके हैं। एंड फाइनली दिस इज वन एंड ओनली रश लेक। ब्यूटीफुल view of Rush Lake। ये लेक विंटर में फ्रीज हो जाती है। 3 months ये लेक फ्रीज रहती है। One and only Golden Peak। जब भी आप रश लेक पे पहुंचे तो आपको गोल्डन पीक का एक खूबसूरत और दिलकश मंजर नजर आएगा। गोल्डन पीक को स्पैंटिक पीक भी कहते हैं। ये पीक 7027 मीटर की है। स्पैंटिक पीक एक माउंटेन है जो कि सब रेंज स्पैंटिक सोस्पन माउंटेन्स की एक पीक है। स्पैंटिक सोस्पन माउंटेन्स क्राक्रम रेंज की एक सब रेंज है जो कि नगर वैली में पाई जाती है। इस पीक की क्लाइंबिंग बहुत हार्ड है इसलिए इसको गोल्डन पिलर भी कहते हैं। इस पीक को पहली दफा 1955 में जर्मन एक्सपेडिशन ने क्लाइंब की थी, सबमिट की थी, जिनका नाम कार्ल क्रेमर था। और इस पीक को पहली दफा एक खातून ने, जिनका नाम उजमा यूसुफ था,
एक पाकिस्तानी खातून की 2017 में क्लाइंब की थी. ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स. Rush Peak. It's a view of Rush Peak, which is 5,000 meters.